मैं आपको दावे से कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी का तीसरी ट्रेन आज की तारीख में बीजेपी से 100 गुना। मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रुस्तम सिंह ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया जब टिकट नहीं मिलने की वजह से कई नेता नाराज हैं और कुछ ने खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदल की राजनीति जमकर हो रही है। इस बार अपने बेटे के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता रुस्तम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का तीसरी ट्रेन आज की तारीख में बीजेपी से 100 गुना। बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए नहीं आ गया मैं। मित्र, मैं इसलिए आ गया कि सब 80-20 जनता मुझे जाती थी लड़ाना, समझ रहे, मानते हो तुम? बोलो जाती। मैं कह रहा हूँ काहे को बोलो, परिवारों में लड़ाई लड़ा दिया, बेटे की खातिर कुछ दिल्ली चला गया, बेटी का काट के उसको फिर नहीं लिया। जो आदमी 30 साल पहले MLA था, 5 बार सांसद रहा, उसके सगे भाई बेटे के काट के उसको टिकट चला गया। एक और भाई अपने भाई के लिए ध्यान देने वाला, वो MLA था वहीं से, उसका टिकट काट के मंत्री जी को दे दिया। ये किसी प्रेम चल रहा है भैया। उन्होंने खुद BSP में जाने से पहले अपने बेटे राकेश रुस्तम सिंह को बहुजन समाज पार्टी से मुरैना विधानसभा से प्रत्याशी बनवाया है और अब खुद भी BSP ज्वाइन कर ली है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की राजनीति में विरोध का एक और नाम जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही अपनी अनदेखी झेल रही BJP के रुस्तम सिंह के अब बहुजन समाज पार्टी में चले जाने से मुरैना जिला सहित मध्य प्रदेश के गुर्जर वोटरों पर असर पड़ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है।